रोजपुर जिरगा के अगौन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक गुट के घर पर दूसरे गुट के लोगों के द्वारा चढ़कर तोड़फोड़ की गई है। लूटपाट करने का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मीडिया के सवालों से खाकी कतरा रही है। आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको बता दें कि अगौन गांव में एक व्यक्ति के घर पर चढ़कर तोड़फोड़ व लूटपाट करने का मामला सामने आया है, जिसमें फिरोजपुर झिरका पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 34 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिवार से मचीतन ने मीडिया कर्मियों को बतलाया कि मेरे लड़के ने 2 साल पहले गांव के ही एक लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज के बाद से सब कुछ राजी खुशी चल रहा था, कुछ नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा कि अब अचानक कुछ गांव के लोगों ने लड़की पक्ष के परिजनों के साथ मिलकर हमारे घर पर चढ़ाई की और घर में सभी कीमती सामान जेवरात वगैरह को एक एक कर लूट ले गए। उन्होंने कहा है कि जब लूटपाट का विरोध किया गया तो हमारे साथ बदसलूकी की गई। पीड़ित महिला मजीतन का कहना है कि हमने घर से दूर खेतों पर पशुओं के लिए छांव के लिए बसेरा बना रखा था, जहां से आरोपी पशुओं को खोलकर जबरदस्ती ले गए और बसेरे को जलाकर राख कर दिया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी हमारे खेतों पर रखी सरसों की फसल को भी प्लास्टिक कट्टों में भरकर ले गए, जो लगभग 40 क्विंटल थी। पीड़ित महिला मजीतन के मुताबिक, हम डर के माहौल में चीनों को मजबूर हैं, हमें अभी भी डराया धमकाया जा रहा है और हमारी शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। क्या मामला है जी? जी मामला कुछ नहीं है जी, हमारे भाई ने शादी करी थी कोर्ट मेरी 2 ढाई साल पहले, तो वो एकदम गांव वाले मिलके लड़की के एक दो परिवार से थे और एकदम गांव ने रंजिश की वजह से घर में दिन दहाड़े लूट की थी और सारा जंगल का जो सिरसू थी गेहूं थे सारे कुटवा लिए गांव ने, और घर में जो 100 मन सिरसू भरी हुई थी वो भी ले गए सारे। हमारे 5-6 किलो चांदी थी और 1-1.5 लाख रुपया कैश था और दोनों भाइयों की दहेज का सामान था, वो सारा एकदम लूट के लेकर जो माँ बहनों के साथ जो अत्याचार करा जो अलग है जी। हमें बस सरकार से इतना चाहिए कि हमें घर पे बसाए और हमें इंसाफ की जरूरत है जी, हमें इंसाफ चाहिए जी। 2 साल पहले कोर्ट मैरिज जी, अब 2 साल हो चुके हैं, उस दिन से सुनाया आप अमन चैन से रह रहे थे, अचानक क्या हुआ जो अब ये लोग बताए? सर ये तो पता नहीं जी, हम तो घर पे भी नहीं थे, हम तो सब जिम्मेदार बाहर ही थे, लेकिन एकदम जब फोन आया था हम घर पे भागे, इतने हम घर नहीं पहुंच पाए, इतने मकान तोड़ दिया और लूटपाट हो चुकी है हमारी। शिकायत पुलिस के ऊपर दर्ज कर दिया है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर अभी पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं की, अभी तो पुलिस हमारे घर पे तफ्तीश के लिए भी नहीं गई है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गांव के सरपंच का क्या रोल है? आपने शिकायत में लिखा है कि गांव के सरपंच की मौजूदगी में लूटपाट हुआ है, जो भी मामला हुआ है उसकी मौजूदगी में हुआ है? हाँ जी, गांव के सरपंच को पता था, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं था, लेकिन उसको पता है सारा गांव का माहौल सारा उसने ही बना रखा है। क्या नाम है सरपंच का? नासिर हुसैन। क्या नाम है जी? गांव कौन सा? अगौन। क्या मामला हुआ? सुबान की पहाड़ों में। क्या मामला हुआ था? यहाँ को मामले हो भाई, 2 साल पहले छोरा लियर गए छोरी, जब तो कुछ ना ही, खूब राजी बाजी से गई है, माँ अपन की राजी बाजी से छोरी गई है जी। और भाई अभी लगा ले कभी, अब गांव ले हम लोग करो कुछ ना छोड़ो, घर में सारी लूट फूट कर दी मैं होगी वा हीरी वा दाल पे। कौन लोग थे जिन्होंने तोड़ इन नसर? सबसे पहले इन नसर, फिर इन नसर ने तोड़ फोड़ करके फिर पूरा गांव ने लूट करी, पूरा मोहल्ला ने। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? वो पुलिस आई ना है, एक दिन आई ही बदिश दिया, जब जब लूट खसोट होगी वहां से 5-6 रात के 11 बजे। तो क्या अभी भी इन लोगों को डर बना हुआ है? भाई इन लोगों को डर ये है कि भाई गांव न जाने को मार दिया इनने, ना तो जंगल का भी ना छोड़ रहा और घर का भी, घर को भी ना छोड़ो, और फिर नो जान रहा कि यार भगा दिए गांव में, रहन ना देना गांव में। क्या मांग प्रशासन से करना चाहते हैं? भैया यह है कि इनका बालकन को भले हो जाए, अपने घर में जम जाओ, और भाई इनको जो माल में टरू चले गए है वो आ जाना चाहिए, इंसाफ हो जाए। क्या नाम है जी? मजीद। गांव कौन सा? अगौन। क्या मामला है?
ये मामला ये एक लड़के लेर गए लड़का, दो साल हो गए वहां गए, अभी अभी ने लूट खसोट करी मेरी दो साल बाद में। सारा गांव में मिलजुल के नहीं, हमारे घर पे कोई बच्चो ना हो, एक मेरा आदमी सब बाहर आ, गाड़ी घोड़ा में अकेले ही अपने घर है, और बालक छोटा मेरा लावनी में, और आके उन्हें तो आते पपड़िया मचा दी, कोई बूझ हो ताज हो ना का कुछ ना बुझ कैसी भी। और मैंने कही मन की अल्लाह ईद रहम करे अल्लाह, मैंने ये काज से कुछ कही भी, कुछ ना मेरी सुनाई कोई ना करी। मेरे एक छोरा हूँ, छोरा बेचारो भीतर लड़का वाह को फोन छीन लिया, मारपीट करिए वाक गए दो लड़का ने, एक नोरा सनोफ वारिस है, एक रशीद सनोफ एजाज है, वाह का दो लड़का मेरे चौबारा में छोरा मारो खूब, और जब आप फोन छीनो, और जब मेरा पूरा मैटेरियल नीचे सुर ऊपर तक सटेड फेंक चलाया नीचे, भाई मैं क्या करूं, फिर मैंने तय इस काम कर दो फल हाजा पढ़नी शुरू कर दी, मैंने कहा अल्लाह को हुक्म होएगा भैया मुझसे भी मान रहा, मेरी ना सुनाई कई कैसी भी सटेड आ लिया मेरा घर सु बाहर सु सिर सु सु मेरी का सोमन सिर सु भरी पड़ी, मेरा जेवर भुते रहो, मेरा दहेज दोहरा बेटान को, मेरा पूरी खाट खटोली मकान मकान सारा आम की तोड़ फोड़ कर दी, मेरे घर में मेरे बच्चा ने पाव से दाना भी ना छोड़ा, दुकान भर पड़ो भुत्तर माल मेरो, मेरी दुकान लूटी, मेरा घर मकान सारा ढहा दिया, मैं तो बिल्कुल घर से बेघर कर दी फिलहाल आज की तारीख में। इस घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करी कैसी भी, हम तो हूं जा के नहीं नहीं आगा, आज थोड़ी इतना दिन होगा 19 तारीख को मैटर है, आज थोड़ी मेरे घर तफ्तीश लू भी कोई पुलिस नहीं आई आज तक भी, और अभी तो गांव ये करंगर वे करंगर रात दिन हमारे धमकी देवा हमें हम रहना, हमारा आदमी आज थोड़ी भी बाहर से घर लो नहीं आया। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? हम तो यह प्रशासन चाहे जैसे हमारे माल मैटर गए हमारे भाई, एक तो वो मिल जाए इंसाफ, और दूसरा हमारे माल में ट्रेल की तक कुछ हमारी पानी की मोटर लग, रमजान के महीना में हम पिसाए मर रहा हूँ आज की यह टाइम में, हमारे गले इतना नाजिद क्यों हो पाए। कोर्ट मैरिज हुए दो साल हो गए होगा, लेकिन उस दिन से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी ना हुआ, अचानक क्या हुआ जो अब इन्होंने तोड़ फोड़ की? हमने कुछ पता ना कैसी भी, हमन से कोई हम पर कोई सलाह मशोरो कुछ ना कैसे भी, किसाई को भी खूब राजी बाजी खूब हमसे गांव बोले चाले हो, खूब हमारे दूध धार को धंधा चल रो, खूब हमारे दुकान को धंधा चल रो, हम सब के आवे हमारे सब आवे जावे। कौन लोग है जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, लूटपाट की है? इन्हें लूटपाट की है, इनस का लड़का है इरशाद, इनस खुद है इनको ज्यादा, और इनको ज्यादा यह ने कही है कि मैं जेल चलो जाऊंगो करो सुराग है, और ये गाँव में बसन नहीं दे रहे हैं। लड़की पक्ष के लोगों ने तोड़ फोड़ वाले लूटपाट की, लड़की का लोगों ने ना करी, लड़की का लोग तो पाछे चढ़ा दो छोरा छोटा सा, लड़की हर कैसे कोई भी ना हो, लड़की को चाचो हो, मेरे लगता धुन मशीन पे गए हो, मैंने कही कोई बात ना भाई वापिस बगा दिया है हुस्मान, जब भी देख रहे हम करी मेरी लड़की के चाचा ने, तो और फिर जंगल में ढोरन पे गया, जंगल में ये छोरी छरी मेरी जो जंगल में लावनी कर रही, मैं घर ही।